स्ट्रिंग फंक्शंस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। स्ट्रिंग रिवर्स के साथ शुरू करके हम अन्य फंक्शंस को देखेंगे। स्ट्रिंग रिवर्स संभवतः str rev है, तो str rev क्या करता है कि यह स्ट्रिंग के कंटेंट्स को रिवर्स करता है। यदि हम हेलो लिखते हैं और हमें उसे रिवर्स करना है, तो यह OLLEH होगा। यह कुछ जगह पर उपयोगी हो सकता है, लेकिन आप ज्यादातर इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं यदि विशेष रूप से किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। मुझे लगता है यह फंक्शन उपयोगी है। ठीक है, तो अगले फंक्शंस जो हमने समूहीकृत किए हैं वह है str2lower और str2upper। इसका मतलब है लोअर केस के लिए स्ट्रिंग और अपर केस के लिए स्ट्रिंग। तो यदि हमारे पास स्ट्रिंग हेलो है, मैं कह सकता हूं echo str2lower और यहां स्ट्रिंग की वैल्यू दिखाएं। हेलो जो बड़े अक्षरों में है वह लोअर केस में हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा अगर यह हेलो लोअर केस में है, और मैं कह सकता हूं str2upper और मुझे स्ट्रिंग का अपर केस वर्जन देगा। अब इसका एक मुख्य उपयोग है जब आपको उपयोगकर्ता का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आपके पास वेबसाइट है जिसमें उपयोगकर्ता को रजिस्टर करना होता है, तो आपको यूजर नेम हमेशा लोअर स्ट्रिंग के रूप में संचित करना चाहिए। इसका कारण यह है, यदि मैं एक यूजर नेम जमा करता हूं, इसको हटाते हैं, कुछ लोग वास्तव में इसे करते हैं, एक वेरिएबल यूजर नेम लिखते हैं एलेक्स, और मैं यह भी लिखूंगा अपर केस और लोअर केस अक्षर। कुछ लोग इस तरह के नाम का उपयोग करते हैं ताकि यह रोचक लगे, और यह ठीक है। लेकिन नाम इस तरह से संचित है और आप सोचते हैं, क्या मैंने छोटे अक्षर ए से शुरुआत की थी, फिर अब मेरे पास यूजर नेम के लिए अलग स्वरूप है। तो आप यह लिख सकते हैं कि स्टोर यूजर नेम इक्वल्स टू str2lower ऑफ यूजरनेम, अतः यह डेटाबेस में संचित यूजरनेम होगा। अब जब वे लॉगिन पर जाते हैं और इस संयोजन में अपने यूजरनेम टाइप करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके टाइप किए हुए यूजरनेम को लोअर केस में बदल सकते हैं और उसकी तुलना यूजरनेम के लोअर केस वर्जन से कर सकते हैं। अतः हम यह ले रहे हैं और डेटाबेस के भीतर लोअर केस वैल्यू संचित करते हैं और उसकी तुलना टाइप की हुई वैल्यू के साथ करते हैं, जो कि लोअर केस में भी बदली गई है। अतः हम गलत नहीं जा सकते तथा उपयोगकर्ता अपने यूजरनेम नहीं भूलेंगे। आप ऐसा ही पासवर्ड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले पर चलते हैं। सब स्ट्रिंग काउंट, यह मूलतः सब स्ट्रिंग की संख्या की गिनती करता है जो कि स्ट्रिंग के भीतर किसी एक वैल्यू से मैच करती है। अतः यहां मैं टाइप करूंगा search equals my name is Alex, what is your name। अतः यह हमारी स्ट्रिंग है। अब यदि हमें सब स्ट्रिंग काउंट एको करना है, और जाहिर है यह सब स्ट्रिंग काउंट के लिए है, हमें क्या करना है कि हम अपनी सर्च स्ट्रिंग खोजना चाहते हैं और हम स्पष्ट करेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग खोजनी है। अब यदि हम इसे रिजल्ट नामक वेरिएबल में रखते हैं, तो यह पूर्णांक देगा। यह इसलिए क्योंकि आपको किसी भी शब्द का उदाहरण नहीं मिलेगा जो कि 1.2 बार मौजूद हो। साथ ही रिजल्ट वेरिएबल two के रूप में 2 वापस नहीं करेगा, यह 2 को पूर्णांक के रूप में देगा। अतः यह काफी उपयोगी है यदि हम सब स्ट्रिंग काउंट मानिए कि एलेक्स के लिए उपयोग कर रहे हैं, और फिर यह स्वतः एको होगा। और यदि आप यहां देखेंगे तो पाएंगे कि यहां एलेक्स का केवल एक उदाहरण है। तो इसे रिफ्रेश करें और हमें संख्या 1 मिलनी चाहिए। अब जब हमें नेम के लिए खोजना है, यहां नेम के लिए एक उदाहरण है और यहां दूसरा उदाहरण। अतः जब हम रिफ्रेश करते हैं, हमें 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। अब इसके लिए वैकल्पिक पैरामीटर है जो है कि एक स्ट्रिंग
में कहां से शुरुआत करें और कहां पर अंत। चलिए इसकी कोशिश करते हैं। मानिए कि मुझे नेम के बाद से खोजना है, ठीक है? अतः यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं कहता हूं 7 के बाद से नेम खोजें और यह इस नीले भाग में खोजेगा जिसे मैंने चिन्हांकित किया है। यह रिजल्ट में सिर्फ एक वापस करेगा। अतः आप स्ट्रिंग में जगह निर्दिष्ट कर सकते हैं। आप कहां तक इसे निर्दिष्ट कर सकते हैं? यह है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 से 17 तक। चलिए देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। यह शून्य बताता है। अतः 7 से 17 तक, जो कि यहां से यहां तक है, हमें नेम कोई भी उदाहरण नहीं मिले। जब हम एलेक्स के लिए खोजते हैं, हमें उसके लिए एक उदाहरण मिलता है। अच्छा, तो यह सब स्ट्रिंग काउंट फंक्शन है। और अब सब स्ट्रिंग रिप्लेस उसी के समान है। यह वही फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक अधिक फायदा है कि आप स्ट्रिंग को बदल सकते हैं। अतः रिप्लेस टैग्स हैं माय नेम इज एलेक्स और मैंने फुल स्टॉप जानबूझकर डाला है। हमारा रिजल्ट सब स्ट्रिंग रिप्लेस के बराबर है। मुझे क्या रिप्लेस करना है, यानी क्या बदलना है? मुझे वेरिएबल रिप्लेस को रिप्लेस करना है। और मुझे एलेक्स को बिली में बदलना है। और यह होगा, मैं गिनता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अतः 11 से यह 11 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 से 14 तक। अतः एलेक्स को बिली में बदल जाना चाहिए। रिप्लेस करें और रिफ्रेश करें। ओह, हमने रिजल्ट एको नहीं किया है। चलिए रिजल्ट एको करते हैं और हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं और इसे माय नेम इज बिली वापस करना चाहिए। मुझे लगता है यह 12 और यह 15 होना चाहिए। वास्तव में यह 10 और 14 होने चाहिए। नहीं, यह सही नहीं है। हमने फुल स्टॉप नहीं डाला है। अतः 11 और 14 लिखते हैं। अभी भी फुल स्टॉप नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों। अब आपको पता चलता है। वास्तव में स्ट्रिंग में आप कुछ भी बदल सकते हैं, एक शुरुआती वैल्यू और एक अंत की वैल्यू के साथ। यह काउंट करने के लिए आप पर छोड़ेगा। मैं काफी थका हुआ हूं, इसलिए काउंट नहीं कर पाऊंगा। अतः हम यह करने जा रहे हैं कि एक विशेष स्ट्रिंग को एक विशेष वैल्यू से बदल रहे हैं। और यहां आपकी शुरुआती वैल्यू है और यहां अंत की वैल्यू। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। कई सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं और मैं सलाह दूंगा कि गूगल पर आप खोजें, पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए खोजें और आपको कई सारे रोचक फंक्शंस मिलेंगे। यदि आप किसी विशेष चीज के लिए ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि उसके लिए एक फंक्शन मौजूद हो। देखने के लिए धन्यवाद। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।